तो कोरोना के प्रकोप के कारण 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में लोगों की शिकायत है कि सब्जी वालों ने सब्जियों और फल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली के पांचवें पुस्ते की मदर डेयरी की लाइन में लगे लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। देश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो लोग एसेंशियल गुड्स खरीदने आ रहे हैं उस वक्त वो एहतियात बरत रहे हैं। फिलहाल मैं पांचवा पुस्ता गावड़ी में मौजूद हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मदर डेयरी है। यहाँ पर एक लंबी कतार आप देखेंगे और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सुबह के वक्त दूध खरीदने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन जो कुछ दिन पहले तक दिल्ली पुलिस या फिर प्रशासन के लोग इनसे अपील कर रहे थे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, और इसके साथ साथ गोला खींचा जा रहा था उसके ऊपर लोगों को खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, वो अब ऐसा तो नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन लोग अब खुद समझ रहे हैं, एक एक मीटर और डेढ़ डेढ़ मीटर की दूरी आप यहाँ पर देखेंगे। और इनकी संख्या इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि कई ऐसी डेयरियाँ हैं जहाँ पर दूध का रेट जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में लोग मदर डेयरी की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि मदर डेयरी का रेट जो है वो फिक्स रहता है और जो तमाम डेयरियाँ हैं वहाँ पर जो रेट है वो फिक्स नहीं रहता, और बढ़ते रेट को देखते हुए अब लोग मदर डेयरी की तरफ रुख कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सब्जियाँ और जो फल फ्रूट है हालांकि उसके भी रेट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग कितना ज़रूरी समझते हैं। सर ये बताइए कि आप एक एक डेढ़ डेढ़ मीटर की दूरी पर खड़े हैं, कितना ज़रूरी समझते हैं सोशल डिस्टेंसिंग? सर ये तो डिस्टेंसिंग अच्छा है और उससे फायदा ये लोगों को, ताकि ये जो डिस्टेंसिंग रहेगा तो जल्दी से बीमारी नहीं पकड़ेगी और ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी आम स्थिति तो ऐसे भी ख़राब है, ताकि सभी लोग परेशान हैं, काम धंधे वाले वैसे भी घर से बाहर नहीं, आजकल तो कंडीशन ही है कि हम लोग डॉक्टर के पास जाने जाते हुए डर लगता है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या हमारे साथ पेशेंट है उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जो जहाँ कंडीशन में है वो परेशान की कंडीशन में है, चाहे वो घर में है या जहाँ भी है। लेकिन राशन दूध खरीदना मजबूरी है घर से निकलना, उतने को जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, उसके लिए और ऑप्शन भी कोई नहीं है। बंदा जिंदा रहने के लिए तो राशन खरीदेगा और जिस मर्जी भाव में मिलेगा। आजकल रेट इतने हैं कि जो चीज़ 100 रुपये थी आजकल वो 150 रुपये हो रही है, लोग इतनी चोरबजारियाँ कर रहे हैं कि उसके ऊपर लगाऊँ, गवर्नमेंट कोई लगाम ही नहीं लगा रही। लोग कहते हैं हमारे पास सारी व्यवस्था है, कि व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ये बताइए कि सब्जी का रेट क्या कुछ घटा बढ़ा है कुछ? सर बढ़ा हुआ है, सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन यह है कि थोड़ा बंद होने की वजह से कुछ रेट में तेजी है और मार्केट जो इकट्ठा नहीं होने तो उनकी कोई प्रॉब्लम होगी लाने ले जाने में, बाकी इतना ज़्यादा तेज नहीं है। बाबा जी कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं बड़े गुस्सा के बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट की ऐसी पोजीशन है, मार्केट में सामान नहीं उपलब्ध पा रहा है और जो उचित रेट है उससे काफी हद तक ज्यादा में लोग बेच रहे हैं, ऐसा क्यों? मेरा यही अनुरोध है कि सामान को पब्लिक को सही तरीके से उपलब्ध कराया जाए और जायज रेट पर सामान मिलना चाहिए। धन्यवाद। सब्जी का रेट बढ़ रहा है? हाँ, हर आइटम के रेट जैसे जवान है वैसे लोग मांग रहे हैं, आखिर क्यों? पब्लिक कहाँ जाएगी ये बताइए ना आप। चलिए शुक्रिया। तो कुल मिला के लोगों यही साफ तौर से कहना है कि सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, हालांकि दूध के बढ़ते रेट को देखते हुए लोग मदर डेयरी की तरफ रुख कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि लोग इस तरीके की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन कर रहे हैं और ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई एक भी पेशेंट कोरोना का यहाँ पर पाया जाता है तो उसका जो संक्रमण है सभी के बॉडी में एंटर कर सकता है। ऐसे में लोग खुद समझते हुए इस तरीके के सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश कश्यप के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।